सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। इस वागाड़ धरा पर पधारे हुए श्रवण जी बोस सर, समस्त सीएससी टीम और सामने बैठे हुए महानुभाव प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि अपने इस वागाड़ क्षेत्र से चयन दिल्ली एम्स पहुंचा है और दिल्ली एम्स पहुंचने में पूरी मेहनत सीएससी की है। यहाँ तो अपने ग्रामीण बेड से पढ़ा हुआ बच्चा था, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल। चयन रामगढ़ में पढ़ा है, आसपुर तहसील रामगढ़ गांव से पढ़ा है। वो गांव में माध्यमिक तक शिक्षा उसने प्राप्त की, फिर गांव में फैकल्टी नहीं होने से, सीनियर में बायो नहीं होने से वह पास में गवर्नमेंट स्कूल सकानी माध्यमिक विद्यालय सकानी में पढ़ा, वो राजकीय विद्यालय में, और फिर वहाँ भी अच्छे उसने पढ़ाई की। और फिर उसको आगे कहाँ रखना वो मेरे लिए बहुत चैलेंज की बात थी, आगे उसको किस कोचिंग में इसको एडमिशन दिलाना। तो उसका मंथन चला बहुत दिनों तक, वहाँ बेटे ने हमने मंथन किया कहाँ इसको रखना। तो हमने कोटा भी देखा और मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरा पूरा सहयोग रहेगा सोशल मीडिया का, कि मैंने सीएलसी पर विजिट किया, उस पर पूरा मैंने देखा कि वहाँ का डायरेक्टर सेल्फ रोज बच्चों से बातें कर रहा सीधे, ऐसा और किसी स्टूडेंट में नहीं है। जैसे कोटा में डायरेक्टर कहीं बैठा हुआ है और काउंसलर बाहर बैठते हैं और आपकी बात हो जाती है, फीस जमा करा तो बच्चा पढ़ लेगा, पढ़ा तो ठीक है नहीं पढ़ा तो ठीक है। पर उसमें मैंने देखा वीडियो में यूट्यूब पे देखे, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, फिर मैंने डिसीजन लिया कि वहाँ का डायरेक्टर जो बच्चों से रोज बात करता है, रोज शाम को प्रार्थना सभा होती है जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, असेंबली होती है रोज शाम को, सब बैठ के एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है। तो मैंने फिर डिसीजन लिया उसको सीएलसी में रखूंगा मैं, और बच्चा तैयार हो गया वहाँ जाने के लिए। यहाँ से लगभग 650-700 किलोमीटर पड़ता है अपने, तो वहाँ बच्चे का एडमिशन करवाया, ऑनलाइन एडमिशन कराया था पहले मैंने, और थोड़ी बीच में डिस्टर्ब हुई तो रात को 11 बजे फ़ोन किया सर को, तत्काल उसका समाधान कर दिया। और फिर वहाँ मैं उसको रखने गया, वहाँ रखा अच्छे से, उसको बी बिल्डिंग में रखा और वो सब सेल्फ वहाँ हो गया, उसको कुछ भी नहीं करना पड़ा, और व्यवस्था सीएलसी के पूरे जो भी वहाँ पर लगे हुए मैनेजमेंट, बच्चे को कुछ भी उठाना नहीं पड़ा, सेल्फ उसको व्यवस्था कर दी अच्छे से। और फिर कोरोना काल था, उसमें पढ़ने में भी दिक्कत हो रही थी, तो वहाँ पर मोबाइल से इतना नेट नहीं पकड़ रहा था और कंप्यूटर पर उसमें नहीं पकड़ा, तो सर ने सी बिल्डिंग में अलग से व्यवस्था करके सब बच्चों जितने बच्चे वहाँ पर थे उनके लिए कंप्यूटर की पूरी व्यवस्था की और अच्छे से पढ़ाई की। और जो उनका मोटो है, शिक्षा संस्कार सुरक्षा और सफलता, ये चारों पूरे होते हैं वहाँ पर। शिक्षा की बात करें तो वहाँ बेस्ट क्वालिटी की फैकल्टी है, इसका अनुमान इसी बात से लगा सकते हैं कि बच्चे ने जो माइनर मेजर टेस्ट दिए, स्टार्ट में काफ़ी कम नंबर आते थे चयन के, स्टार्ट में नंबर कम आते थे, तो फिर फोन करता है मैंने बड़े काम का नंबर कम आ रहे हैं तो हंस देता बस। एक चीज़ उसकी यह विशेषता रही चयन की, वो कभी दबाव में नहीं आया, दबाव नहीं रहता था, स्ट्रेस नहीं रहता कभी भी। फिर धीरे धीरे उसका वो अच्छे नंबर आते गए, और तो इस तरह से लगभग 100 से ऊपर इसने टेस्ट दिए, जब 100 से ऊपर टेस्ट दे रहा है और क्वालिटी के अगर वहाँ पेपर बन रहे हैं तो प्रश्न, फिर एक टाइम जैसा है उसमें अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया, प्रश्न कहाँ से आएगा, इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया उसमें कि जब नीट का पेपर देके घर आया तो मैंने पूछा क्या कैसा गया, तो बता रहा था पापा मेरे को एक प्रश्न नहीं आ रहा था इसमें से, कम्प्लीटली 180 में से एक प्रश्न नहीं आ रहा था, बाकी 3 प्रश्न मैंने सोल्व सही किए, आंसर सही निकाला, पर लास्ट टाइम पे जल्दबाजी में गोला इधर से उधर लग गया, ओमा शीट में गोला लगाते हैं तो इधर से उधर लग गया, तो 3 प्रश्न मेरे से खराब मतलब गलत हो गए। तो इस तरह से मतलब उसको कॉन्फिडेंस था, पूरा पेपर में आ रहा है। तो आखिर ये मेहनत है सीएलसी की, इतनी बेहतर पढ़ाई है, जब भी तो बच्चा इतना चैलेंज कर सकता है। और दूसरी बात करूँ, जो इसके साथ में इसका दोस्त है अजय यादव, वो 4 भाई बहन है, 3 बहन है, एक छोटा अजय है, ये दोनों साथ में हॉस्टल में रहे, तो उसके तीनों बहनें सीएलसी से सिलेक्टेड है डॉक्टर में, अभी कोई थर्ड ईयर है, कोई फाइनल में, कहीं कोई सेकेंड ईयर में, और ये अजय चयन के साथ में दिल्ली एम्स में पहुंचा है, दोनों यहाँ पर भी साथ में थे, वहां पर भी साथ में, उसके भी 700 नंबर, इसके भी 700 नंबर। तो मतलब यहाँ का वहाँ का वातावरण ऐसा है, बच्चा
एक दूसरे से वहाँ बैठ के ऐसे डिस्कस करते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं, एक दूसरे से मदद करते हैं, और बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट है वहाँ पर। तो मैं तो आपसे यही विनती करूँगा, आप बिंदास वहाँ रखें, कोई दिक्कत नहीं जरा भी वहाँ पर पढ़ाई की। और सुरक्षा संस्कार की बात आती है, अभी अपन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक वीडियो चल रहा है यूक्रेन से बच्चे जो आए और ये चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरे, तो वहां पर एक सज्जन व्यक्ति मंत्री कुछ है जो बाहर स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जैसे बच्चे निकल रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं, एक भी बच्चा उनके सामने नहीं दिखा सकता, किसी बच्चे ने नजर भी ना दी कि क्या कर रहे हैं, जबकि वो उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं वहां पर, कि बच्चे वहां से बाहर यूक्रेन से सुरक्षित अपने देश में आ रहे हैं। तो वो चीज वहां यहाँ पर देखिए आप, रोज शाम को हनुमान चालीसा होती है, एक आध्यात्मिक वातावरण तैयार होता है, तो बच्चे को एक नई ऊर्जा पैदा होती है अपने आप में, तो ये भी पॉजिटिव एक विचार है इनका। और तो सफल सुरक्षा सुरक्षा की बात करें, मेरी बेटी भी वहां पर है अभी, वहां गत वर्ष वो मैंने कोरोना काल के हिसाब से भैया को वहां रखा और बेटी को नहीं रखा वहां पर, घर पे ऑनलाइन क्लासेस ली मैंने, तो बच्ची ने 553 नंबर घर बैठ के लाई, तो आखिर में क्वालिटी है सर वहां की, वहां के इनके पेपर से पढ़ाई का तरीका उसमें है क्वालिटी, जब तो बच्ची घर बैठ कर 553 नंबर ला दिए। तो फिर अब की बार मैंने वहां पर उसको एडमिशन कराया, वहीं पर अभी 4-5 महीने हो गए, कोई तकलीफ नहीं, बड़े अच्छे से पढ़ रही है। और सुरक्षा की बात तो जो अभी बताया स्टडी कैंप, रात को 8 बजे बच्चियां जाती हैं और 12 बजे निकलती है सर वहां से, कोई बिल्कुल बिंदास कोई टेंशन नहीं जरा भी, आप विश्वास कर सकते हैं पूरा वहां पर कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो यही है, और सफलता सफलता तो परिणाम आपके सामने है, 5 बच्चे एम्स जा रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अपने बागड़ का बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा ले, बिल्कुल रामगढ़ का ग्रामीण बेल्ट है और वहां से सरकारी स्कूल है, वहां से पढ़ा हुआ बच्चा अगर दिल्ली एम्स जाता है तो अपने लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, और उसका पूरा श्रेय मैं सीएलसी टीम को श्रवण घोष सर को देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप जो बात बताए आपका बच्चा वहाँ घर कितनी बार आया बीच में? हाँ, मैं वहां रख के आया बच्चे को और 10.5 महीने बाद लेने गया लास्ट टाइम पे, वो भी एग्जाम के 15 दिन पहले, वो भी उसका थोड़ा स्वास्थ्य नरम हो गया, तो उसने बोला पापा अब मेरे को घर आना है, तो घर लेके आया मैं, 10.5 महीने कंटिन्यू वहां पर रहा, इसके बीच में मैं मिलने भी नहीं गया उसको। ये बहुत बड़ी बात है लाइव शो में देखने वालों, 10.5 महीने बच्चा लगातार सीख रहा, तब जाके चैन जैसे बच्चे पैदा होते हैं। थैंक यू ब्रदर।